हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे पियर, जैसे सर्कुलर पियर है और उसका पियर कैप है, नहीं तो अबटमेंट कैप है, जो इसे ट्रेपिजॉइडल टाइप में है ना, उस टाइप की यार क्वांटिटी एक व्यूवर ने जैसे पूछा था, सब्सक्राइबर ने, उसका सर मतलब कॉन्क्रीट क्वांटिटी कैसे निकालें यार। मेरे को बहुत बार उस टाइप के कैप आ रहा है लेकिन अलग अलग डायमेंशन के आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में सर मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐसे अगर एक फॉर्मेट बन जाए मेरे को, सिर्फ वहाँ पे जैसे लेवल वगैरह सिर्फ डालूँ, ठीक है, इस टाइप की जो लेवल्स नहीं तो उसके जो डायमेंशन डालूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है अब देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिलहाल के लिए ये सब हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब सारे देख सकते हो, सारे जीरो जीरो हो गया, ठीक है। जैसे अगर सारे हटाने से जीरो जीरो हो गया, अब चाहे तो मैं फिर से एंट्री कर लूँगा। जैसे यहाँ से आपको बता दूंगा कैसे एंट्री करें। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको जो पियर कैप होगा, ठीक है, पियर कैप का टॉप लेवल चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पियर के भी चाहिए। तो पियर के जो हाइट निकालने के लिए पियर कैप का टॉप लेवल और पाइल कैप की टॉप लेवल, नहीं तो फाउंडेशन, कोई भी आपको ओपन फाउंडेशन है तो ओपन फाउंडेशन की टॉप लेवल, राफ्ट की टॉप लेवल हो गया, ठीक है। तो पाइल कैप टॉप लेवल क्या है, 270.020, यहाँ पे मैं एंट्री कर लेता हूँ 270.020, ठीक है, ये तो हो गया। और उसके बाद सॉरी, पियर कैप की टॉप लेवल 270.020 हो गया और पाइल कैप की टॉप लेवल 265.175 हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे आ जाते हैं जो डायमेंशन वाला पेज है, ठीक है। यहाँ पे आर क्या पूछ रहे हैं, पियर कैप का टॉप पोर्शन की जो हाइट है, ठीक है, ये जो टॉप पोर्शन है ना, ये जो इतना जो पोर्शन है जो रेक्टेंगल टाइप है, उसकी जो हाइट क्या है, उसकी हाइट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 800 mm दिया हुआ है। मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, 800 और नीचे के 850, टोटल 1650 है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 800 के यानी मीटर में सब डाल रहा हूँ, ठीक है, यानी 800 का 0.8 कर लिया, यहाँ पे जो बॉटम मोशन का रेट है 0.8 कर लिया, ठीक है। पेयर कप का लेंथ क्या है, पेयर कप का लेंथ आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 11.6 है, ठीक है, 11.6 दिया हुआ। आप इसको भी एक बार ऐड भी करके देख सकते हैं, 4.9 4.9 प्लस 1.8, ठीक है, नहीं तो ये 150 mm ये अलग से है, तो 4.75, इसको मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ जैसे, ठीक है, ये अलग जैसे होंगे, ठीक है। तो मैं पेयर कैप का लेंथ यहाँ पे 11.6 डाल देता हूँ, जो हमने वहाँ देख लिए, ठीक है। और पेयर कैप का विड्थ है, विड्थ कितना है, जैसे यहाँ बगल वाला ड्राइंग में जो दिख रहा है, पेयर कैप का जो विड्थ है 2.9 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2.9, ठीक है। और पेयर का डायमीटर क्या है, तो अब यहाँ पे हमने देखा ही है, जैसे 1.8 डायमीटर यानी 1800 mm है, तो 1.8 मीटर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, मैंने इसको डाल दिया 1.8, ठीक है दोस्तों। और टैपर पोर्शन का लेंथ क्या है, ये जो टैपर पोर्शन की जो लेंथ है ना, ये क्या है, जो सिर्फ टैपर के पूछ रहे हैं, ये जो 4.9 है, ये जो स्ट्रेट ऑफसेट है ये मिला के 4.9 है, तो 4.9 से आप ये 150 हटा देना तो आपको मिलेगा 4.75, ठीक है, 4.75। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाने के लिए मैं ये डाल रहा हूँ। और स्ट्रेट ऑफसेट लेंथ फ्रॉम पियर, ये जो इसकी मांग रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपको तो पता ही है, जैसे 150 mm है, ठीक है, तो 150 mm मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। और ऑफसेट विड्थ फ्रॉम पियर, इसके भी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा ज़्यादातर, तो फिर भी मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि ये जो कैप की जो टोटल विड्थ है ना, उससे ये कितना, मतलब पियर से कितना ऑफसेट जा रहा है, दोनों साइड 550 550, ठीक है, तो मैंने 0.55 डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये डाल दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ जैसे जैसे डालते हैं ना, यहाँ पे आपको आते गया है, ठीक है, सब कुछ आ गया, यहाँ पे भी क्वांटिटी आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये डालने के लिए कितने टाइम लगेगा, मैक्सिमम 5 सेकंड 10 सेकंड लेंगे, उसके अंदर आपको यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएंगे, वो कैसे आ रहा है वो भी देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाए थोड़ा इजीली। सबसे पहले पेयर के कंक्रीट है, तो ये सर्कुलर पेयर है, तो सर्कुलर का आपका जो वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला होता है, π/4 × d² × height, ठीक है, तो π/4 के लिए 3.14, बाई का जो वैल्यू है 3.143 आपको पता ही है, नहीं तो आपने छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, वो क्या होता है 22.22/7 होता है, ठीक है। इसी का हम जैसे 3 डिजिट में राउंड फिगर 3.143 कहते हैं, ठीक है। और डी स्क्वायर है, डी क्या होता है, आपका ये जो सर्कुलर पेयर का जो डाया है, ठीक है, 1.8 × 1.8, ये भी ऑटोमेटिकली आपके आ रहे हैं, तो जो आपके कैलकुलेशन भी ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाइट कहाँ से आ रहा है, ठीक है, हाइट आने के लिए आपको पियर कैप की जो टॉप लेवल है माइनस और पाइल कैप की टॉप लेवल है, यानी दिस ये लेवल माइनस ये लेवल कर रहे हैं तो टोटल हाइट मिलेगा, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, माइनस ये दोनों को माइनस कर रहे हैं, आप देखिएगा जैसे कि कैप के टॉप पोर्शन बॉटम पोर्शन का माइनस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको डालते ही यहाँ पे आ गया, तो ठीक है।
तो अभी इसके हिसाब से आपके हो जाएंगे, ये हो गया आपके हाइट आ गया, ठीक है। हाइट 3.19 फीट हम यहाँ से डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। अब जो है जो फार्मूला से हमने डायरेक्ट कर दिया इन सबको जो मल्टीप्लाई करके, तो ये आ रहा है 8.134 क्यूबिक मीटर आ रहा है आपकी जो पियर में, जो राउंड जो पियर है ना, सर्कुलर पियर में जो कंक्रीट क्वांटिटी, ये आ गया। अभी देखिए पियर कैप में यार कैसे करें, ठीक है। पियर कैप का अगर आते हैं तो पियर कैप की जो दो पोर्शन है, ठीक है, जैसे ये वन पोर्शन कहते हैं, ये टू पोर्शन कहते हैं। पहले जो रेक्टेंगुलर है इसको तो सिंपल से आपका आ जाएगा, कैसे करना है, लेंथ ब्रेथ इंटू डेप्थ, जैसे एल इंटू बी इंटू डी वन में इसलिए कराया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हमने इस हाइट को डी वन लिखा है तो यहाँ पे डी वन कर दिया, एक समझाने के लिए ये फार्मूला करिए, फार्मूला का वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एल इंटू बी इंटू डी वन कर दिया, ठीक है, इसकी क्वांटिटी तो आ गया। नीचे का कैसा है, ये क्या है, ट्रेपेज़ॉइडल हो गया, ठीक है। ट्रेपेज़ॉइडल का क्या है कि ये लेंथ और ये वाला लेंथ, ठीक है, इन दोनों का एवरेज करेंगे, यानी ये तो ये वाला लेंथ तो एल हो गया, और ये वाला लेंथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ करना है ना, दिस लेंथ के लिए एक लेंथ हमने कर लिया, प्लस डी प्लस ये डाया हो गया, डी प्लस टू इंटू ऑफसेट, ये जो ऑफसेट है ना 150 mm है, तो उसके लिए 2 इंटू ऑफसेट कर लिया, ठीक है। फिर ये दोनों को जैसे प्लस कर लिया, मतलब इस लेंथ को और इस लेंथ को प्लस कर लिया, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका एवरेज लेंथ आ जाएगा। फिर ब्रेथ आपका सेम है जैसे 2.9 है, ठीक है, ब्रेथ सेम ही रहेगा, और डी टू ये हाइट जो है 850 mm यहाँ वाला जो है रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये कर दिया, ये करने के बाद अभी क्या आ रहा है आपको जो फार्मूला लगाने के बाद 43.797 क्यूबिक मीटर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल है आपको, आपके जो टोटल जो टाइम लगना है ना वो तो यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ एलिवेशन भी एक दे दिया और जो एक क्रॉस सेक्शन भी दे दिया। लेकिन आपको एक चीज़ करना है, जो भी आपका वैल्यूज है ना अब यहाँ पे डालिएगा, तभी आपको क्या यहाँ फिगर में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा सब कुछ, फार्मूलाज में यहाँ पे भी आपको आ जाएंगे और यहाँ पे भी आपको आ जाएगा और ये कैलकुलेशन भी आ जाएगा। तो आपको क्या किसी के यार समझाना भी है ना तो बहुत इजी हो जाएगा कि आराम से आप समझा सकते हो, और किसी के भेज रहे हो यार ये क्वांटिटी है, ठीक है, किसी मेजरमेंट शीट में लगानी है, तो सब कुछ आपको बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, और आपने कोई स्टूडेंट्स हो, आपके दोस्त हो, आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ शेयर कर लेना, उनके अगर उनके उनके भी इसके बारे में पता चल जाए। उसके अलावा यार बहुत लोग अगर वीडियोज़ तो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्या होता है एक मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब भी कर लेना और आपके दोस्त का भी शेयर भी कर लेना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।